कौन कह रहा है? मेरी नहीं की बात समझ में आसमान मेरे कहा बहुत सर हाँ लिपस जो मैं भी कह रहा था कहीं कुछ कहते हैं लिपस के हाँ अब तो टाइम कम ही क्या अब आप खाली देखो ये तो मैंने आपको पहले कहा कि हर किसी लैंग्वेज में होता है मतलब ये तो अरबिक में है ये तो उर्दू में है मतलब अपना अपना ये तो कश्मीरी में है आप क्या करेंगे टाइम कम हाँ ये तो हमारे उर्दू ये कश्मीरी में है ये हिंदी के है अपने अपने अलग भी सोचे हैं हाँ ये आप ये आपको मालूम है किसका है नहीं शॉर्ट हैंड पो पो डो डो जो हम साइंस से दिस इज पो पी दिस इज बो शॉर्ट हैंड नंबर से दिस को लोई दिस इज डो टी दिस इज डो दिस इज मोड हां समझ आ रहा है किसका आप लोग जरा सुना सकते हैं हां जो मैंने आपको कहा है फुट बट हां काट हम इसकी प्रोसेस हां जो मैंने आपको कहा है स्केलर डॉट सी डाउन हां दीस आर वाउल साउंड्स दीस आर कंसोनेंट साउंड्स दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट दिस इज प ब ड ड ज ज ग ग ह व थ द स ज श ज म न उन प ल र व ज एंड दीस आर बिकॉज़ आप अगर मैं आप एग्जांपल दे दें बेटा मैं तो आपको टाइम हां दीस आर वाउल ई ए ओ उ ए ए ओ ओ ओ ओ आ आ ओ या आया हुआ आया या आया आओ हाँ कहाँ से देखा था टाइम कम से कम तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी मेहनत की और क्या पहुंचा वापस वापस वन वन नीचे 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 कौन सा है ये मैंने आपको कहा है हाँ हवा नहीं हवा हाँ लिपसी की किताब में की है आजमा ये हमने किया है हाँ टेक्नोलॉजी हम ये टेक्नोलॉजी हाँ ज़ेब्रा ज़ीब ज़ेब्रा ज़ेब्रा हाँ क्या करेंगे कबर अगर हम देखें फिर उसको कबर 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 फिर कबर भी नहीं कहेंगे अगर हम मतलब जल्दी में कहते हैं फिर कोई प्रोसीजर वो भी नहीं कहूंगा सब हाँ इसका आप कहते आप कहते आर क्यू आर क्यू हाँ वी एक हाँ वी डी वी डी ओ हम कहते वी डी ओ हम कहते डाटा डेटा हाँ कोई कहेगा मास्क मगर हम मास्क नहीं कहते हैं मगर जो वो हिंदी वाले हैं ना वो कहते हैं वो स्कूल कहते हैं वो तो मतलब उर्दू में हिंदी में मगर इंग्लिश में स्कूल है हाँ मास्क कहते हैं आप कहते हैं हाँ हाँ कहते हैं हैंडसम ये तो नहीं हुआ आपने हाँ यानी कि देर पीस हैंडसम डो साइलेंट मैंने कहा है कि टाइम कम है वरना बात करनी थी इन पर भी हाँ हाँ क्या कहते हैं डिटरमाइन डिटरमिन डिटरमिन डिटरमाइन नहीं है हाँ क्या करेंगे हाँ ये तो मतलब मैंने किसी को अगर हिंदी आप आया आता है तो वो खुद ही देखेगा जो ये मैंने कहा है आपको जो वाउल साउंड्स की रिप्रेजेंटेशन और किसी से होती है कॉन्सोनेंट से मिलते जुलते हैं बहुत सारे कॉन्सोनेंट मिलते जुलते हैं अल्फाबेट से मतलब प पी इसको आप प कहते हैं मगर लिखने में तो वो ऐसे ही आता है प प ट ड क ग हाँ तो मगर जो ये है क्या कहते हैं वाउल साउंड्स उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग है दिस इज ये दिस इज ये दिस इज वो दिस इज वो हाँ तो ये मेरे आप कहाँ पर टाइम नहीं रहेगा कैसे बिताते हैं ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स IPA जो हम यूज करते हैं आपको मालूम है कि दियर आर मैंने आपको तेरी कहा है सो मेनी एसेंट्स दैट इज ब्रिटिश एंड अमेरिकन वी यूज ब्रिटिश दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट तो ये है मेरे आपको तेरी कहा ये वाउल्स है ये कॉन्सोनेंट्स है एंड दे आर डिफ्थॉन्ग्स In case of diphthongs, there is combination of two vowels, but we have to produce them together. अलग अलग नहीं करना है. आप कहेंगे ये ओ नहीं नहीं ये आया यानी कि this one syllable. हाँ वो syllable भी मुझे कहना था क्या करें. हाँ आप आपको मालूम है कि speaking की बात चल रही है तो speaking में हम क्या कर रहे हैं?
मेरे बहुत और भी हैं, मेरे वीडियो भी रखे थे आपके लिए, मतलब मैं तो अंग्रेजी डाल नहीं हूँ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश, मेरी बहुत सारी मतलब वीडियोज भी मैंने रखे हैं, बट लेकिन सब टाइम हाँ। और जब हम स्पीक करते हैं, वन सेकेंड स्टेज यू डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे फिर भी कहूँगा आई लाइक यू, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, क्योंकि नेवर माइंड की बात ऐसे, और मैं पहले कह रहा था आई लव यू, मैंने सोचा जब तक क्या एक्सप्लेनेशन देने को, ये तो प्रॉब्लम हो गया, आपने कह रहा हो आई लाइक, क्योंकि आई लव मैंने कहा वी लव गॉड, वी लव आवर पेरेंट इज डेड, नो नेगेटिव, यस हां बट वी आर नेगेटिव नाउ, आई से आई लाइक यू, हां देखो सो आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू, एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस, क्या क्या लाउड एग्जाम्पल आपने वो सुना होगा कि किसी ने कहा था ना कि कोई मतलब था, अब हम देखो पीर हम क्या कहते हैं, कृष्णा रामच कृष्णा रामच गुड, यानी कि द मेन वर्ड हियर वाज शीप, अगर उसे हिंदी कहा है डॉग शीप, तो जिसका मतलब थी वो तो मेरे भी मेरे कहने का मतलब ये वहां सिट्रस वर्ड कौन था शीप, यानी कि सिट्रस मैं आपको बताता हूं कृष्णा आओ, तो इनको तो समझ में खबर क्या आता है, तो जो अगर कोई समझ तो बाहर द मेन वर्ड द कंटेंट वर्ड द मेन वर्ड और कंटेंट वर्ड इज सिप्रस यस दैट आई हैव यूज्ड इन केस ऑफ हियर दैट आई हैव यूज्ड इन केस ऑफ सेंटेंस दैट आई वहां को गड़ी बज रही है हाँ काम से भी नहीं सुन रहा आगे से देख रहा हूँ हाँ यानी कि आई लाइक यू वहां मेरी कहने का मतलब है आई लाइक यू यानी कि ओनली आई लाइक यू नो बडी एल्स बाकी सब चीज जब हम यहाँ मतलब दिखाते हैं फिर वो वन एलिकेटर होता है ऊपर मेरे कहा पहले हाँ अगर मैं आपको आई लाइक यू आप सर जो कम्युनिकेशन होती है उसके मतलब जो सर ने भी कहा है ये हमें कम्युनिकेट प्रॉपर वे में करना चाहिए, यदि ऐसा ना हो कि मान खासकर इंग्लिश में, और आपको मालूम है कि इंग्लिश में वो रहा आप फिर से भी आपको कह रहा हूँ आप कहेंगे सर सत्यंग्रे इंग्लिश वही मैं देखिए जो ना लोग समझ लो ना हाँ इन शॉर्ट किसी को डिक्शनरी याद ना बिकॉज यू हैव टू मेक द यूसेज ऑफ द वर्ड्स यूज करना होता मुझे ना डिक्शनरी याद करने से कुछ नहीं होगा मैंने आपको बार बार कहा प्रैक्टिस मेक इट इन परफेक्ट समझ आ रहा है हाँ यानी कि यू हैव द वर्ड्स व्हिच यू हैव यू कैन यूज देम क्योंकि इंग्लिश इज सच ए लैंग्वेज व्हेयर वी यूज द वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स ए वर्ड गिव्स डिफरेंट मीनिंग फॉर एग्जांपल हम कहते हैं विंड विंड किसे हम कहते हैं साउथ विंड हवा 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 हां हां अगर देखो द विंड इज ब्लोइंग दैट मींस हवा आई वांट टू विंड माय गिव्स आई वांट टू विंड अब मैं हवा दूंगा आप यूज को आई वांट टू एडजस्ट फर्स्ट माय यूज आई वांट टू विंड माय दिस वॉच आई वांट टू विंड माय वॉच वहां चाबी करना पहले पहले वो गिड़िया होती थी ना हां यानी कि दैट मींस द वर्ड्स they have not the individual meaning the words in english use the meaning in the sentence they have the content meaning misal ke liye book aap bol mein book kitab hai agar aap book kahenge book is sirf aur nahi wahan aur bhi maane hai to thanks kyunki time to matlab kam hai thank you so much